कि नौजवान दोस्त मेरी बात लिख लें, परेशान लोग मेरी बात लिख लें, जिनके पास कुव्वत फैसला नहीं वो इस बात को लिख लें। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया था, अब्दुल्ला सुन, अगर सारी दुनिया मिल के तेरा कोई नफा करना चाहे, कर नहीं सकती जब तक मेरे रब की रजा ना हो। और फरमाया, सारी दुनिया मिल के तेरा कुछ बिगाड़ना चाहे तो अब्दुल्ला बिगाड़ नहीं सकती जब तक रब करीम की हिकमत का तकाजा ना हो। लोगों से डरना, लोगों की तरफ देखना, माहौल देख के अपने राह का तायुन करना, हर बंदे के ख्यालात के मुताबिक ढलने की कोशिश करना, फलाना ना नाराज हो जाए, फलाना ना नाराज हो जाए, वो जिसने होना हो जाए, बस रब रसूल नाराज ना हो। अपनी जिंदगी में अपने मालिक को मौला जान के, वलिल्लाहु मौलाकुम, अल्लाह तुम्हारा मौला है, वहू खैरुन नासिरीन, वो बेहतरीन मददगार है। तवज्जो जब भी करें रब की जानिब करें, अपने दिल का किबला दुरुस्त रखें, सोचों के जाविये सीधे रखें। हजरत मरियम रदियल्लाहु ताला अन्हा पाकबाज थी, मस्जिद में रही थी, पर मालिक की हिकमत के तकाजे बड़े अजीब है ना। फिर जनाब मरियम को अल्लाह ताला ने बगैर शौहर के औलाद अता कर दी। ये बात ही ऐसी थी, वो किसी ने कहा था कि मखलूक तो फनकार है इस दर्जा के, पल भर में संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे, तुम कौन हो, क्या चीज है दागे कबाबी, लोगों ने तो मरियम पे भी इल्जाम तराशे। तो लोगों ने कहा, किधर से ले आई बच्चा, तेरा बाप तो ऐसा नहीं था, कहां से ले आई। अल्लाह करे मैं आपको समझा सकूं, जरा अपने आप को वहां खड़ा करें कि एक पाक बाज औरत, पाक बाप की बेटी, तैयब मां की बेटी, और अल्लाह के घर में परवरिश पाने वाली खातून, एक वो वक्त और एक ये वक्त कि उस औरत को कटहरे में खड़ा करके पूछा जा रहा है कि माजल्ला तेरी गोद में बच्चा जायज नहीं है, कहां से लाई है। अब खुद से सफाइयां बंदा कितनी को दे, कितनी को वजाहतें करे। और मैंने तो अपनी जिंदगी में देखा है, ज्यादा वजाहत देने वाले को भी लोग झूठा समझने लग जाते हैं, ज्यादा वजाहत देने पर भी लोग कमजोरी का इजहार समझते हैं कि कमजोर पड़ गया। आप सुलह की कोशिश करते हैं, सामने वाला बुजदिल समझ लेता है, ज्यादा वजाहतें भी कमजोर कर देती। अब हजरत मरियम को कटहरे में खड़ा करके कहा, बच्चा किसका है, तो फिर खुदा बंदोबस्त जब करे, अल्लाह जब मददगार हो, तो फिर हजरत मरियम की गवाही दरख्तों से नहीं दिलवाई उसने, पत्तों से नहीं दिलवाई, फिर फरिश्ते नहीं भेजे। हजरत मरियम कहने लगी, मुझसे ना पूछो, वो जो पंगूड़े में है उसी से पूछ लो, उनसे पूछो ना, वो कौन है पूछ लो, उनसे कर लो सवाल। उन्होंने कहा, पंगूड़े में चंद दिनों का बच्चा ये जवाब देगा। मददगार था रब, उनकी बरात का ऐलान करना था मालिक ने, और जब मालिक ऐलान कर दे, जब मालिक तेरी सफाई देना चाहे, जब मालिक तुझे दुनिया के सामने निखारना चाहे, तो पंगूड़े में लेटे हजरत ईसा बोल के कहने लगे, इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताबा, फरमाया मैं अल्लाह का बंदा हूं, रब ने मुझे किताब अता करके नबी बना के दुनिया में भेजा है, मैं अल्लाह का बंदा हूं, किताब लेके आया हूं, नबी बन के आया। फिर पंगूड़े से ऐलान हो गया, फिर बच्चा बोल पड़ा। और ये एक दफा नहीं बात हुई, ये बनी इसराइल में एक जुरैज नाम के शख्स भी थे जो नमाज पढ़ रहे थे। बाज ने लिखा है, नफल नमाज थी, अम्मा ने पुकारा तो आए नहीं, तो मां के मुंह से निकल गया, तू इतनी देर तक मरेगा नहीं जब तक किसी बेहया औरत का मुंह ना देख ले। तो वो इबादत गुजार थे, लेकिन लोगों ने उनकी इबादत, रियाजत, परहेजगारी को नहीं देखा, बस एक औरत को भेज के इल्जाम लगवा दिया। वो औरत आया जाया करती थी, अब आ जाती हैं औरतें, मसला पूछने की नीयत से भी आ जाती हैं, माहौल में कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां औरतें दम कराने के बहाने आ जाती हैं। वो खातून आती जाती थी उस खानकाह पे, आस्ताने पे, ये बुखारी में मौजूद है, पर उसने कहा, मेरी गोद में जो बच्चा है ये इन्हीं का है, मुझे बताएं कैसे बंदा वजाहत दे। हालात खराब हो गए, लोग कुटिया जलाने लगे, माहौल और तरह का बन गया। मेरे नबी पाक अलैहि सलातो सलाम फरमाते हैं, फिर उस रब के बंदे ने कहा, मालिक तो करीम है, तेरी मशीयत का तकाजा आया जो मेरी मां ने जुमले बोले थे, पर अब मैं वजाहत देने के काबिल नहीं रहा, अब तू ही करम करेगा तो दरवाजा खुलेगा,
तो वो चंद दिनों का बच्चा पंगूड़े में बोल के कहने लगा, मैं इस दरवेश का नहीं, मैं तो फलाने चरवाहे का बच्चा हूं, वो जो बकरियां चराता है। रब की मदद को पुकारें, अपने साथ अपने मालिक की मदद को शामिल करें, थोड़े रिस्क पर भी गुजारा अच्छा होने लग जाएगा। सारे लोग आपको गिराने की तदबीरें कर रहे होंगे और मालिक आपको इज्जतें अता फरमा देगा, उसकी बारगाह से हिकमत का तकाजा और हो जाएगा। हमने सारी जिंदगी लोगों को राजी करने में गुजार दी। तो मेरे अजीज, जब सबसे बढ़कर वो देता है, सबसे ज्यादा नवाजता है, सबसे ज्यादा प्यार करता है, तो फिर वो फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना मनुज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ऐ ईमान वालों अपने रब का कसरत के साथ जिक्र करो, वसब्बिहू बुकरतम वअसीला, सुबह शाम उसी की पाकी बयान करो, सुबह शाम अल्लाह ही का जिक्र, उसी की पाकी। बहुत ज्यादा तफसीलात नहीं, लंबी डिटेल नहीं, सिर्फ आप इतना तजर्बा कर लें कि हम दिन में अपनी तारीफ ज्यादा करते हैं या अपने रब की तारीफ ज्यादा करते हैं, हमारा अपने आप को सजाने संवारने में ख्याल ज्यादा रहता है या रब की रजा पे तवज्जो ज्यादा रहती है। हमारा अब ये मिजाज बन गया है कि हर चीज से घेर घार के हम अपने आप पर हर चीज को ले आए हैं, हम अपने आप से शुरू होते हैं, अपने पर खत्म होते हैं। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह का जिक्र करे और जो अल्लाह का जिक्र न करे, मसलुल हय्य वल मय्यित, उनकी मिसाल इस तरह है जिस तरह जिंदा और मुर्दा की होती है। गोया जिक्र करने वाला जिंदा है, न करने वाला मुर्दा है। ये जिसने सारा दिन रब को याद ही नहीं किया, इसको सारा दिन ख्याल ही नहीं आया, आप कहीं सफर पे निकले हों, कहीं आप दूर गए हो ना, तो आपको ख्याल आता यार सुबह की मैंने घर ही बात, आज घर फोन नहीं किया, कोई राबता नहीं किया, कोई मालूमात नहीं की, घर में से कोई सफर पे हो, एक तो ये कि आप गए हो और एक ये कि कोई घर में से गया हो, तो दिन में उसे फोन करके पूछने कहां पहुंचे हो, जिस काम गए थे उसका क्या बना, ख्याल आता है। और अगर आपने किसी को भेजा हो और पीछे से फोन ना करें तो वो भी कह देता है यार तूने सारा दिन हाल ही नहीं पूछा। यानी बंदों के साथ बंदों का रिश्ता हो तो दिन में याद ना करें तो शिकवा आता है, तो मुझे बताओ सारा दिन ही गुजर जाए, एक तस्बीह भी ना पड़ी जाए, यानी सारा दिन बीत जाए और इंसान एक तस्बीह सुभान अल्लाह की ना पढ़ सके, बाकी उसे सारी कहानियां आती हों, बाकी उसे सारा पता हो, लेकिन सारा दिन बीत गया, 24 घंटे गुजर गए और इसको इतनी तौफीक नहीं हुई कि 100 दफा मदीने वाले रसूल पे दुरूद व सलाम ही पढ़ लेता, सारा दिन ही गुजर गया, इसने सोचा ही नहीं। तो हमने ये किया है कि हमारा जो खास जिक्र करने का मिजाज और माहौल और शौक होना चाहिए था, वो शौक हमारा बरकरार नहीं रहा, वो जौक नहीं हमारा रहा। यानी फारग बैठे लोग हैं, बड़ी देर फारग बैठे हैं, कहते हैं जी मैं सुबह से फारग हूं, बोर हो रहा था, कोई इस फारे पढ़ लेना था, कुछ थोड़ा सा ना मेहरबानी कर लेनी थी, कुछ आपने एक तस्बीह इस्तिगफार की पढ़ लेनी थी, किस तरह आप बोर हो गए, आपने सारा दिन अल्लाह को याद ही नहीं किया, तवज्जो ही नहीं फरमाई। और फिर अगर आप अल्लाह का जिक्र करें और जिस सिफाती नाम के साथ आप अपने रब को याद कर रहे हैं उसका माना समझ के करें, या रहमानु या अल्लाह, या रहमान या रहमान या रहमान, जब आप कहेंगे तो फिर अर्श का मालिक बड़ी रहमत नाजिल फरमाएगा, जब आप कहेंगे या करीम या करीम या करीम, तो फिर वो करम के दरवाजे खोल देता है। आपका एक खास रंग हो। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम ना दुनिया में रह के मुझ पे दुरूद व सलाम पढ़ो, फरमाया कयामत में जब तुम्हारा दुश्वार गुजार घाटियों से गुजर होगा ना, यहां तुम बैठोगे सुख के साथ दुरूद पढ़ोगे, लेकिन फरमाया कयामत वाले दिन जब तुम्हें दुश्वार गुजार और सख्त रास्तों से गुजरना पड़ेगा ना, तो दुनिया में सुख के साथ पड़ा हुआ दुरूद व सलाम वहां तुम्हारे लिए नूर बन जाएगा और तुम्हें रास्ता दिखाएगा तुम्हारा दुरूद व सलाम, तुम्हें जौक दिलाएगा। और मैंने ऐसे लोग भी देखे, दीन के लिए वक्त गुजारा, लेकिन जब बुढ़ापे में दांत काम ना करते थे तो वक्त के मुफ्तियों को भी मस्जिदों की कमेटियों ने कह दिया, अब आपकी समझ नहीं आती, हमने खतीब को यौर रखना है, ना देखो दुनिया की तरफ, दुनिया रुला देती है, नाराजी करो बंदों को, बंदे थका देते, ना पीछे भागो हर वक्त दुनियादारों के, ये इंसान को कमजोर कर देते हैं, वो तो करीम ही बड़ा है, दो आंसू जमीन पर बाद में गिरते हैं, बंदे के गुनाह सारे पहले माफ फरमा देता है। अल्लाह की मदद का हुसूल,
अपने मालिक की मदद की तरफ बढ़ना। आपको बदर की जंग भी यही दरस देगी, आपको उहद का मैदान भी यही सबक देगा, फतेह मक्का भी यही सबक देगा। मेरे दोस्तों, जब रब मदद फरमाए, जब अल्लाह मददगार बने। दोस्तों से एक बात अक्सर करता हूं, मैं कहता हूं कि जितने दर्द से आप अमीर को अपनी कहानी सुनाते हैं ना, और जिस तरह आपके आंसू बात करने से पहले गिर जाते हैं कि गरीब हैं, बच्चियां हैं, कारोबार नहीं, ओ मेरे संगियो, इससे आधे आंसू अपने रब की बारगाह में बखेरो, उसके हुजूर अर्ज गुजार हो जाओ, उससे तलब करो। एक वक्त इंसान पर जिंदगी में ऐसा आता है कि उसे यूं महसूस होता है कि मेरा साया भी तरह सा पीछे हट गया है। उसे यूं लगता है कि मैं किसी सहारे पे हाथ डालता हूं तो वो भाग जाता है मुझसे। लेकिन मालिक की बारगाह ऐसी अजीम बारगाह है, रब रसूल के आस्ताने इतने बड़े हैं कि आप जब वहां कशकोले तलब दराज करते हैं तो झोली फैलाने में देर लगती है, उनको भरने में तो कोई देर नहीं लगती। हम ना, हमने अपना सोच का किबला ही दुनिया को बना लिया है। ये जो अल्लाह वालों की मदद है, ये तो है नहीं, अल्लाह ही की मदद है। लेकिन ये जो सेठों की तरफ तवज्जो करना, नवाबों की तरफ तवज्जो करना, दुनियादारों की तरफ तवज्जो करना, और अपना मिजाज इस तरह का बना लेना, यारो, गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, जहां में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते। और इकबाल कहते हैं, गैरत है बड़ी चीज जहाने तगो दो में, पहनाती है ये फकर को ताजे सरदारा। मैं अर्ज करूंगा कि अपनी आप जब तवज्जो का किबला अल्लाह रसूल को बनाएंगे तो रब फरमाते हैं, वयरज़ुकहु मिन हैसु ला यहतसिब, मैं ना तुझे वहां से रिस्क दूंगा जहां से कभी तेरा गुमान भी नहीं गया होगा। यहां से भी मिल सकता है, तूने सोचा भी नहीं होगा। बुखारी शरीफ में हदीस है, हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना 300 लोगों का एक लश्कर रवाना किया किसी मुहिम के लिए, किसी जिहाद के लिए। हजरत अबू उबैदा बिन जर्रा रदी अल्लाह तआला नो अमीर लश्कर थे। फरमाते गुर्बत इतनी ज्यादा थी, भूख इतनी ज्यादा थी कि एक एक खजूर दिन में एक वक्त खाने को मिलती थी, और एक कुछ दिन ऐसे आए कि अब खजूर भी नहीं मिल रही। फरमाते इतनी ज्यादा भूख लगी मुजाहिदीन को, 300 बंदा पत्ते खा के गुजारा होने लग गया। ये बुखारी में मौजूद है। आप फरमाते कि दरिया के किनारे हमारा पड़ाव था, ठहराव था, जब भूख से निढाल हो गए ना, वह यरजुकहु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह वहां से रोजी देता है, गुमान भी नहीं होता। फरमाते एक मछली अल्लाह ताला ने दरिया के किनारे भेजी, फरमाते वो थी तो मछली पर पहाड़ जितनी थी। बुखारी में लफ्ज हैं, हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, 300 आदमी 18 दिन तक उस मछली को खाते रहे, मछली खत्म ही नहीं हुई। मछलियां नहीं, मछली। कहते हैं 18 दिन 300 बंदा खाता रहा, मछली खत्म ही नहीं हुई। और फरमाते हैं कि उसकी हड्डी निकाल के, कांटा कहेंगे आप अपनी जुबान में, कहते वो निकाल के ना तो उसको खड़ा किया ना, जब तो ऊंट कजावे समेत उसके बीच से गुजर जाता था, दो उसके कांटे जोड़े। फरमाते हैं वो उसका गोश्त हम खाते थे और उसकी चर्बी बतौरे तेल के हम जिस्मों पे मलते थे, बीमारों को उससे सुकून आता था, तंदुरुस्ती शिफा होती थी। फरमाते हैं हम खाया भी हमने, और कुछ लेके हम मदीने भी गए, और कुर्बान जाए नबी पाक ने भी उसमें से खाया। हमने अर्ज की, हुजूर ये मुअम्मा क्या है, ये माजरा क्या है? तो महबूब ने फरमाया, तुम्हारे पास गिजा नहीं थी, रब ने तुम्हारे लिए बंदोबस्त किया है, अल्लाह ने तुम्हें दिया है। मकान शुरू कर लिया एक साहब ने, वो मकान बनाने लगे। आप वो हिसाब लगा रहे हैं, कहते हैं मेरे पास इतने पैसे हैं, इतने मैंने फलाने दोस्त से कहने उसने दे देने, इतने फलाने रिश्तेदार से कहने उसने दे देने, इतने फलाने से कहने उसने दे देने। ये सारी कापी बना के मकान शुरू कर लिया। जो रोज कहता था ना, कोई हुक्म हो जाते दसी, सबसे पहले उसको कहा, मियाँ पैसे चाहिए, वो कहता हो कल ही मुंडा टोरिया, कदे तू परसों दस दाते लभ जाने सन। मैं आपको अपने तजर्बे की बात बता रहा हूँ। जिन लोगों का ख्याल होता है ना कि आप स्टार्ट करें फलाना काम, हम आपके साथ हैं, अल्लाह का ही कोई निज़ाम है, वो बिल्कुल भी नहीं साथ होते। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई साथ नहीं होता, अल्लाह ताला बड़े असबाब पैदा करता है, वहाँ से देता है जहाँ से गुमान भी
ہمارا یہ ذہن بن جاتا ہے ہم ساری اپنے حساب سے چلتے ہیں، اتنے رشتہ داروں سے، اتنے کون آپ کے ساتھ چلے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ سارے کام چھوڑ کے سب سے پہلے دو رکھتے پڑھو، اپنے رب کی بارگاہ میں، رسول کائنات کی بارگاہ میں گزارشات اور استغاثے سے پیش کرو، وہاں سے خیر طلب کرو۔ دنیا دار کیا دیں گے، کیا دے سکتے ہیں، کیا حیثیت ہوتی ہے کسی، اللہ کہتا ہے وہاں سے دوں گا۔ تو جو اللہ مال دے وہ لینا چاہیے کہ رشتہ داروں کا مال دیکھنا چاہیے، جو اللہ دے وہ لینا چاہیے کہ سیٹھو نوابوں کی جیبیں دیکھنی چاہیے، جو اللہ دے وہ قبول کرنا چاہیے یا دیکھنا چاہیے کون سا آدمی کہاں پہنچ گیا۔ چھوڑو، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، کسی کے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، پھسل جا۔ اس پر ایک اور بات عرض کر دوں، صحیح بخاری سے، مسلم سے، ایک اور بات، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ کی مدد آتی ہے، مدد ملتی ہے، ایک چیز ان میں سے ایسی ہے جس سے بہت مدد نازل ہوتی، وہ ہے کہ جب رب آپ کو دے نا تو پھر آپ بھی اس کے رستے میں دیں، پھر مدد آتی ہے، پھر اور آتا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، یہ زیادہ ہی توجہ طلب عمر ہے، اس پر آپ غور کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ایک شخص نے بادلوں کے اندر سے آواز سنی کہ فلاں آدمی کا کھیت اور باغ خشک ہو گیا ہے، وہاں برسو اور اس کے کھیت کو سیراب کرو۔ تو بڑا حیران ہوا کہ بادل سے آواز آ رہی، پھر اس نے دیکھا کہ ایک پہاڑی پر بارش ہوئی، وہ بادل وہاں برسا، پھر نالیوں سے ہوتا ہوا پانی ایک طرف چلا، تو جس نے آواز سنی تھی، حضور بیان کر رہے ہیں، وہ بھی پیچھے پیچھے چلا کہ پانی کدھر جا رہا ہے۔ اس نے جا کے دیکھا کہ ایک مقام پہ ایک باغ کو وہ پانی لگ رہا ہے اور ایک آدمی وہ پانی لگا رہا ہے۔ اس نے اس سے پوچھا، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا بتا نا۔ اس نے نام بتایا تو کہنے لگا، یہی تو وہ نام ہے جو میں نے بادلوں کے اندر سے سنا ہے کہ فلاں کے کھیت کو پانی دے دو۔ اس نے کہا، یار تو کیا عمل کرتا ہے کہ اسپیشل تیرے لیے بارش برسے؟ یہ بخاری پڑھ رہا ہوں، سیاستا سے حدیث عرض کر رہا ہوں۔ اس سے پوچھا، تو کیا کام کرتا ہے؟ کہ جناب، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کرم آیا کہ خاص تیرے لیے پانی برسے اور تیرے کھیت کو سیراب کرے۔ تو اس نے کہا، چھوٹا ذمہ دار ہوں، پر جب فصل اگتی ہے تو تین حصے کرتا ہوں، ایک حصہ اپنے بال بچوں پہ، بہن بھائیوں پہ خرچ کرتا ہوں، ایک حصہ پورا اور ایک حصہ دوبارہ کاشتکاری پہ لگاتا ہوں، اور تیسرا حصہ خالص میں نے مسکینوں، یتیموں اور غریبوں کے لیے رکھا ہوا۔ وہ جو تیسرا حصہ، اللہ کرے آپ سمجھیں، وہ رب کے بندوں پہ تیسرا حصہ خرچ کرتا ہے نا، تو کریم مالک نے فرمایا، جہاں سے غریب کا حصہ جاتا ہے وہ کھیت خشک نہیں رہنا چاہیے، وہ جہاں سے مسکین روٹی کھاتے ہیں وہ خشک نہ رہے، جہاں سے یتیموں کو کچھ آتا ہے کہیں اس کی فصل رہ نہ جائے۔ میں اور آپ بھی اگر اپنے مال میں مسکینوں، یتیموں، غریبوں کے حصے رکھ لیں گے تو فصلیں خشک نہیں رہیں گی، ان کے اندر تازگی آئے گی، نور آئے گا، کرم آئے گا، خاص کر خدا کی رحمت برسے گی۔ مدد اللہ سے چاہیں، اپنی توجہات کا مرکز رب رسول کی ذات کو بنائیں، پھر آپ محسوس کریں گے کہ بڑی جلدی اللہ تعالیٰ کی مدد آنے لگی ہے۔ کبھی آپ صرف کہہ دیں نا، میرا رب میرے ساتھ ہے، اس لفظ میں اتنی طاقت ہے کہ دشمن ویسے زہر ہو جاتا ہے۔ زندگی میں کسی سے بھی لڑائی ہو، اچھی طرح سوچ لیں کہ اللہ اس طرف ہے یا اس طرف ہے، اگر آپ زیادتی پہ ہیں تو پھر رب مظلوم کی جانب ہے، اگر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو گرا نہیں سکتی، اور اگر آپ مظلوم کے مقابلے میں ظالم بن کے آپ کھڑے ہو گئے ہیں اور آپ نے رویہ وہ اختیار کیا ہے کہ جس میں مدد نہیں آئے گی، تو پھر یاد رکھ لیں کہ آپ کوئی بھی ہیں، کہاں بھی ہیں، آپ کمزور ہیں۔ طاقتور تھے، ابتدائے اسلام میں ظاہری طاقت تھی کفار مکہ کے پاس، وہ ڈنڈوں سے مارتے تھے غریبوں کو، ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے، پر خدائی طاقت ان مظلوموں کے ساتھ تھی۔ صاحب زرقانی نے لکھا ہے، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک لونڈی ہے، غریب ہے، ماڑے دا کی کام محمد نس جانا یا رونا، غریب سادی بی بی اور لونڈی کنیزہ، ایک مشرق کی کنیزہ تھی، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، وہ ڈنڈوں سے مارتا، دروں سے مارتا، تکلیف دیتا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا، اتنا مارا،
अब आप एक और पहलू पर भी गौर करें, मार भी पड़ रही है पर खुदा इधर ही है, अल्लाह की मदद इधर ही है। रब कहता है कि पहले तू सब्र करना, इन्नल्लाह मा साबिरीन, तू सब्र करेगा तो फिर रब की मैयत मिलेगी। जरा ठहरना, तू थोड़ा डांटना, इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाहु सुम्मस्तकामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, तू कह अल्लाह मेरा रब है, फिर तू पहले डांट, पहले तूने डटना है, सुम्मस्तकामू जो डट गया, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका डटने वाले के लिए मदद आती, पहले थोड़ा ठहरना पड़ता है, पहले थोड़ा सब्र करना पड़ता है, हौसला करना पड़ता, उसके बाद मदद आती। मार पड़ रही है, मारा जा रहा है हजरत जुनैरा को, उनका मालिक जो है जाहिरी आका वो मार रहा है, ये कनीजा है, मां इतना मारा, इतना मारा, उनकी बिनाई चली गई, नजर आना बंद हो गया। अबू जहल आया और कहने लगा, जुनैरा देखा ना, हमारे बुत तेरी आंखें ले गए, माजल्ला लातो मनात, हमारे बुतों ने तुझे अंधा कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि बीबी रोती जा रही है, रोती जा रही है, मायूसी मायूसी, माजल्ला परेशानी, गरीबी बड़ी है, पूछने वाला कोई नहीं, ये बातें नहीं। क्या जुमले हैं खातून के, क्या लफ्ज हैं। अबू जाल ने तंजिया कहा माजल्ला, कहने लगा देखा ना, हमारे बुतों ने तुझे अंधा कर दिया। तो जनाबे जुनैरा आंखों की बिनाई गई है, रात को गई है, दुख अभी ताजा है, लेकिन अल्लाह पे जो तवक्कुल है, अपने मालिक से जो रिश्ता है, वो इतना मजबूत है, इतना ताकतवर है, उसमें इतनी गहराई है कि हजरत जुनैरा बोल के ना इतनी कुव्वत से बोली, इतनी ताकत से बोली कि पूरे कुफर पर लर्जा तारी हो गया। फरमाने लगी, तुम्हारे बुतों की क्या औकात है कि वो मेरी बिनाई ले जाएं, ये मेरी रब की हिकमत का तकाजा है। जब तक उसने चाहा जुनैरा देखती रही, और जब उसने चाहा जुनैरा की आंखों की बिनाई चली गई, और अगर वो चाहेगा ना तो बिनाई वापस भी कर देगा। अगर हो जौके यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें, अगर वो चाहेगा तो बिनाई आ भी जाएगी। हजरत जुनैरा ने रात को ये लफ्ज कहे, अबू जाल और सारे कुफार डर के सुन के चले गए। आप इत्मीनान से आके बिस्तर पे सोई, जब सवेरे उठी तो अल्लाह ने आंखों की रोशनी वापस कर दी थी, आंखों की। अब छड़ी पकड़ी है, बाजारों में घूमती है, कहती है बुलाओ किधर है तुम्हारे लातो मनात, देखो मेरे रब ने रोशनी वापस कर दी, आकर मेरे साथ इधर आ, सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। बीमार लोगों याद रखो, कह दिया डॉक्टर ने कि तू बड़ा बीमार है, तू बड़ा कमजोर है, ये हो गया वो हो गया, तो डॉक्टर अपने इल्म के मुताबिक बात कर रहा है, होगा तो वो जो मेरा रब चाहेगा। कमजोर हो जाना, परेशान हो जाना, तकलीफ में आ जाना, पता नहीं बात हो गई है तो जाने क्या हो जाएगा। अपनी जिंदगी के अंदर अपने रब से रिश्ता मजबूत